कोरोना महामारी के इस कठिन समय में बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं मरीजों और उनके परिजनों की मदद कर रही हैं, और इसी कड़ी में रायगढ़ में पिछले करीब एक महीने भर से सामाजिक संस्था सांझा चूल्हा उपलब्ध करा रही है। कैसे काम करती है सांझा चूल्हा, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। ये देखा गया है कि लॉकडाउन और कोरोना काल में बहुत से परिवार कोरोना की चपेट में आ गए और उन्हें खाना बनाने में काफी तकलीफ हो रही है। ऐसे में सांझा चूल्हा जैसी संस्था आगे आई है और वो लोगों के लिए खाना बनाकर उन्हें घर तक पहुंचा रही है। घरों और अस्पतालों में इलाज कर रहे कोरोना मरीजों तक सांझा चूल्हा द्वारा शुद्ध सात्विक भोजन सुबह शाम पहुँचाया जा रहा है। जरूरतमंद मरीज और उनके परिजन जैसे ही संपर्क करते हैं उन तक सांझा चूल्हे की टीम द्वारा भोजन पहुंचा दिया जाता है। संस्था के कार्यकर्ता अब तक हजारों लोगों को भोजन दे चुके हैं और उनका ये सिलसिला लगातार जारी है। जिन परिवारों में महिलाएं कोरोना से संक्रमित हैं और उस वजह से खाना नहीं बना सकती हैं, ऐसे परिवारों के सभी सदस्यों तक भोजन की पहुँच को घर तक सुनिश्चित किया जाता है। इसके लिए परिवार का कोई भी व्यक्ति फोन करके अपनी जरूरत बता सकता है। हम कोविड पेशेंट के हाथ में खाना देकर आते हैं और उनसे हम ये पूछते हैं कि भैया खाना तो आपको मिल गया, इसके अलावा आपको कोई जरूरत है क्या, कोई दवाई चाहिए क्या, ऑक्सीमीटर चाहिए क्या, आपको अपना कोई पर्सनल काम है तो बताइए, क्योंकि आप तो बाहर जा नहीं सकते। हमारे लड़के दिन भर घर बाहर में है, प्लेटफॉर्म प्लेट हैं, हम चाहते हैं कि उनको जैसी भी किसी भी प्रकार की हम यदि मदद कर सकें तो शायद हमारी सांझा चूल्हा की संस्था का मकसद है। सांझा चूल्हा संस्था द्वारा ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक गर्म और ताजा भोजन पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें स्थानीय प्रशासन का भी अच्छा सहयोग मिल रहा है। लगभग 200 घरों में 200 खाली खाना, आज हमारे पास 250 तक खाना जा रहा है, सब घरों में पहुँचा के हम लोग खाना। इस संस्था में कुल 35 सदस्य हैं जो शहर के हर इलाके में जाकर दोनों पहर का खाना घर घर तक पहुँचा रहे हैं। ये सदस्य भोजन के साथ ही कोरोना पीड़ितों को दवाई और फल जैसे अन्य सामान भी उपलब्ध कराते हैं। कोरोना के संकट काल में सांझा चूल्हा के इस निस्वार्थ सेवा कार्य के लिए हर तरफ से भरपूर सराहना मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।